आज ये वाकई देश को सोचने की जरूरत है कि जो दंगाई रामनवमी के जुलूस को टारगेट कर पत्थर मारते हैं, दूसरे हिंदू त्योहारों पर नफरत के पत्थर चलाते हैं, वो बड़े दोषी हैं या उन पर मजहबी मेहरबानी और मजहबी डिस्काउंट देने वाले नेता ज्यादा बड़े दोषी हैं? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि रामनवमी के मौके पर देश में जितनी भी जगह पर हिंसा हुई उसमें सबसे ज्यादा सवाल हावड़ा हिंसा और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर है। कल हम आपको लगातार बता रहे हैं, तीन जगहों पर पत्थरबाजी हुई थी, महाराष्ट्र, गुजरात और बंगाल। लेकिन आज पत्थरबाजी जो दोबारा हुई है ना, रिपीट टेलीकास्ट आप कह सकते हैं, वो बंगाल में हुई है। सोचिए क्यों आज फिर से हिम्मत कैसे हुई पत्थरबाजों की सड़कों पर उतरकर। शायद आपको ममता बनर्जी के बयानों से शायद जवाब मिल जाएगा। क्या कहा था उन्होंने, मतलब आप सोचिए, राम भक्तों को मुस्लिम इलाकों में ना जाने की बात कहकर क्या ममता बनर्जी ने पत्थरबाजों को सही नहीं ठहराने की कोशिश की कि गलती शायद हिंदुओं की थी कि उस इलाकों में गए क्यों? क्या हिंसा के बाद ममता बनर्जी ने जांच से पहले एक वर्ग को यह कहकर क्लीन चिट नहीं दी कि रमजान में मुस्लिम कुछ भी गलत नहीं करते हैं, वो जांच हो जाए, अगर हिंदू दोषी है तो उनको सजा मिले, मुसलमान दोषी है तो उनको सजा मिले, लेकिन जांच से पहले ही एक मुख्यमंत्री का यह कह देना कि रमजान में मुसलमान रोजा रखते हैं वो कुछ भी गलत नहीं करते, क्या ये सही या गलत? क्या रमजान में मुस्लिम कुछ गलत नहीं करते ये कहकर ममता बनर्जी ने हिंसा का सारा दोष हिंदुओं पर नहीं मढ़ दिया? क्या ममता बनर्जी को यह आशंका जताना कि शोभा यात्रा निकालने पर मुस्लिम घरों पर हमला हो सकता है, मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा निकलेगी, अगर ये मुस्लिम घरों पर हमला अगर कुछ होता है तो फिर कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई होगी, ये समझाना या सुलगाना है? अगर मुस्लिम इलाकों पर हमला हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये कहकर उन्होंने एक वर्ग को दोषी नहीं ठहरा दिया, बल्कि शायद वो कह सकती थी कि अगर यात्रा पर हमला हुआ तो वो कड़ी कार्रवाई करेंगी, शांतिपूर्ण तरीके से सद्भाव के साथ रमजान भी बने, शांतिपूर्ण सद्भाव तरीके से शोभा यात्रा भी निकले, कुछ नहीं होना चाहिए यात्रा पर, कुछ नहीं होना चाहिए, ये उनको कहना चाहिए था। इसलिए अब बीजेपी जानते हैं आरोप क्या लगा रही है, बीजेपी लगा रही है कि ममता बनर्जी के कुछ ऐसे ही बयानों की वजह से ना आज फिर बंगाल में पत्थरबाजी हुई। आज फिर बीजेपी का आरोप है कि ममता का बयान पत्थरबाजों के हौसले बढ़ाने वाला था और हिंदुओं को दोषी साबित करने वाला था, जिसकी वजह से आज फिर ममता बनर्जी के बयान के बाद बीजेपी आरोप लगा रही है उनके बयान की वजह से हौसले बढ़े और पत्थरबाजियों की हिम्मत बढ़ी और आज फिर पत्थरबाजी देखने को मिली है। तस्वीरें हावड़ा में कल के बाद आज एक बार फिर हिंसा हुई है, ये फुल स्क्रीन पर आप तस्वीरें देखिए। तस्वीरों में दिख रहा है कि शोभा यात्रा में शामिल लोगों का मकसद दूसरे समुदायों को नुकसान पहुंचाना हो सकता है, मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्रा निकलेगी, मुस्लिम घरों पर कुछ हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, दोषी सिर्फ एक समुदाय। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की भी मुख्यमंत्री है भाई, लेकिन क्या उनका यह कहना कि हिंदुओं के खिलाफ नहीं है कि रमजान में मुसलमान कुछ भी गलत नहीं करते, सारा दोष हिंदुओं पर मढ़ देना, जांच से पहले जांच हो जाए, जो दोषी हो, अगर हिंदू दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो, कोई दोषी है उस पर कार्रवाई, वैसे भी दंगाइयों का धर्म नहीं होता भाई, कैसे तुष्टीकरण की हद पार करना नहीं कहा जाएगा? क्या ये जांच से पहले एक वर्ग को दोषी और दूसरे को बेगुनाह बताना कहां तक सही है? ये तस्वीर आप देख रहे हैं, हावड़ा में रामनवमी विरोधी हिंसा पर ममता बनर्जी पर उस वक्त सवाल उठे थे जब उन्होंने एक वर्ग को दंगों से पहले ही चेतावनी दे दी कि वो जानबूझकर हमला करना चाहते हैं और रामनवमी की शोभा यात्राओं के दौरान मुसलमानों के घरों पर हमला हो सकता है। आज हम इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं आपको, सबसे पहले ना ममता बनर्जी के बयान सुनाते हैं। बीजेपी का आरोप है कि अपने बयानों पर ममता बनर्जी ने हिंदुओं को टारगेट किया, मुसलमानों को क्लीन चिट दे दी, यही ममता बनर्जी का दंगों वाला तुष्टीकरण है और दीदी के इन्हीं बयानों ने इस बात को जस्टिफाई किया कि मुस्लिम इलाकों से शोभा यात्राएं निकालेंगे, अगर तो सही नहीं होगा, सुन लीजिए एक बार। और बीजेपी गुंडारा एक जन गुंडा बोलते हैं, টিভিতে রেকর্ড আছে
রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। আরে তোর যা অস্ত্র তুই তাই নিয়ে যা, আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না। কিন্তু মনে রাখো, মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেবে। পুলিশকে ডাইরেক্ট ইনস্ট্রাকশন দেওয়া ছিল, একদিকে যেমন অন্নপূর্ণা পূজা চলছে, অন্যদিকে মুসলিমদের রোজা চলছে, রমজান মাসও চলছে, আর আমাদের এখানে 33% মুসলিমও আছে, তাদের পরিবারগুলো রোজা করে, রমজান করে, উপবাস করে। এই সময়টা তারা কোনো অন্যায় কাজ করে না। आप तय करिए। एक मुख्यमंत्री का जांच से पहले निष्कर्ष पर पहुंच जाना और एक धर्म को दोषी बता देना और दूसरे धर्म के लोगों को क्लीन चिट दे देना कि रमजान के वक्त मुसलमान ये नहीं करते, कितना सही है आप तय करिए। मतलब लेकिन एक सवाल आज जानते हैं भी है, क्योंकि ममता बनर्जी की तरफ से जो कहा गया था मुस्लिम इलाकों को अवॉइड वाली बात, मतलब आप वक्त आ गया है क्या कि देश में आप धर्म और मजहब देख कर तय होगा कि किस मोहल्ले में किस मजहब का त्यौहार बनेगा। भाई देश तो सेकुलर है ना, देश तो धर्म निरपेक्ष है, फिर इलाके क्यों धर्म विशेष है? किस धर्म के आधार पर त्यौहार पर बैन लग जाएगा, किस इलाके में घुस सकते हैं, कहाँ नहीं घुस सकते हैं? क्या अब धर्म निरपेक्षता और गंगा जमुनी तहजीब की आड़ में ये बताने की कोशिश हो रही है कि किस रूट पर शोभा यात्रा या किसी भी मजहब का जुलूस निकालने के लिए पुलिस या प्रशासन से NOC लेने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि NOC तो उन लोगों से लेनी पड़ेगी जो अपने मोहल्लों को सेकुलर नहीं मजहबी मोहल्ला मानते हैं, मुस्लिम मोहल्ला मानते हैं। इस मामले में ना गलती दरअसल शायद उन लोगों की ज्यादा निकाली जा रही है जिन्होंने इस इलाके को भी ना देश का हिस्सा समझ लिया, इस इलाके को सेकुलर समझ लिया, देश का हिस्सा समझ लिया और वहां से उन्होंने शोभा यात्रा निकाल दी। उसके बाद क्या हुआ सबने देखा। शायद इसलिए बंगाल के हावड़ा में कल रामनवमी की शोभा यात्रा विरोधी हिंसा हुई, दो तस्वीरें आपके सामने, और आज फिर सांप्रदायिक हिंसा हुई है। अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि हिंसा की शुरुआत कैसे हुई, लेकिन इस हिंसा के कई वीडियो सामने आए जिसमें लोग कल अपने घर की छतों से पत्थर मारते दिखाई दे रहे हैं। हावड़ा हिंसा पर बीजेपी का आरोप है कि कल रामनवमी की शोभा यात्रा के खिलाफ पेट्रोल बम भी मारे गए हैं, पेट्रोल बम भी चले हैं, बीजेपी आरोप लगा रही है। आरोप ये भी है कि रामनवमी हिंसा के बाद से पुलिस तमाशा देखती रही, और TMC आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने दंगा कराया। बीजेपी कह रही है कि ममता के बयानों की वजह से हिंसा और बढ़की, TMC का आरोप है कि बीजेपी ने दंगा कराया, जांच के बाद सच सामने आए। लेकिन ये तस्वीरें खौफनाक है, हिंदुओं के घरों पर चुन चुनकर हमले हो रहे हैं, वैसे अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागना भी पड़ा, यह भी खबर है। पश्चिम बंगाल से बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी का आरोप है कि बंगाल में हिंदुओं का जीवन खतरे में है, बीजेपी ने हावड़ा हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट में रामनवमी विरोधी हिंसा की घटनाओं को लेकर जनहित याचिका भी दाखिल कर दी है जिसमें इलाकों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती करने की मांग की गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल में हिंसा के बाद गवर्नर से बात की और हालात की जानकारी ले ली है। कश्मीरी पंडित को भागना पड़ा, अभी ये काजीपाड़ा एरिया में सब हिंदू को अपने जान बचाने के लिए भागना पड़ा, और जितना भी एसेट था खत्म हो रहा है पुलिस का सामने। मैप को डेमोग्राफी को देखेंगे तो बहुत सारा जगह में अभी हिंदू लोग नहीं रह पाते हैं, अब डायमंड हार्बर में चले जाएंगे तो हिंदू लोग छोड़ के भाग गए, तो डेमोग्राफी ऐसा सिचुएशन अभी हो रहा है कि ममता बनर्जी अभी तुष्टिकरण के लिए उसको मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। किसी मस्जिद के सामने या ईदगाह के सामने की सड़क, उस सड़क से यात्रा ना गुजरे, या यात्रा गुजरे पर ढोल ढमाका ना हो, ऐसी जिद अनुचित है। एक सवाल ये भी है कि जब जब हिंदू त्योहार तब तब पत्थर मार, क्योंकि पहली बार तो हो नहीं रहा, आप सभी जानते हैं। पिछली रामनवमी पर भी देश के 8 राज्यों में भगवान श्री राम की शोभा यात्राओं पर, मतलब सोचिए राम के देश में श्री राम की शोभा यात्राओं पर एक जैसे हमले हुए थे, याद है ना आपको? शोभा यात्राओं के खिलाफ पहले से हिंसा और हमले की तैयारियां पहले से की गई थी। मतलब मुस्लिम इलाके ऐसी जगह बन गए हैं मतलब जहां पुलिस और प्रशासन की NOC भी काम नहीं आती। वैसे तो होते क्या मुस्लिम इलाके, कभी आपने सुना है कोई हिंदू इलाका, हिंदू मोहल्ला, हिंदू गली? होता ही नहीं है भाई, ये सब सेकुलर देश है, धर्म निरपेक्ष है, तो फिर इलाके को धर्म विशेष है। और एक साल बाद कल फिर रामनवमी पर देश के 3 राज्यों में विरोधी हिंसा हुई, कल पश्चिम बंगाल के हावड़ा और इस्लामपुर के अलावा
गुजरात के वडोदरा, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर और जलगांव में हिंसा हुई। आज बिहार के सासाराम और नालंदा में भी रामनवमी विरोधी हिंसा हुई। कुछ जगहों पर रामनवमी के जुलूस को निशाना बनाकर पत्थर मारे गए, राम भक्तों पर हमले हुए। गुजरात के वडोदरा में दो जगहों पर रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव हुआ। हालांकि रात भर एक्शन चला और तमाम पत्थरबाजों पर सख्त कार्रवाई की गई है। मैं बार बार कह रहा हूं, गुजरात में फिर रिपीट नहीं हुआ ना महाराष्ट्र में, लेकिन बंगाल में हुआ है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में तो दंगाइयों ने खुलेआम पुलिस की गाड़ियों पर ही हमला किया। यहां एक राम मंदिर के पास दंगाइयों की भीड़ पत्थर और पेट्रोल बम लेकर जुट गई और पुलिस पर भी अटैक कर दिया। पेट्रोल बम चलाने का आरोप बीजेपी लगा रही है। रामनवमी पर राम मंदिर के पास हुई हिंसा में 10 पुलिसकर्मी समेत 12 लोग जख्मी हो गए, 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के जलगांव में भी रामनवमी विरोधी हिंसा हुई। आपको जलगांव हिंसा की तस्वीरें भी आज देखनी चाहिए। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जलगांव में किस तरह से हिंसा हुई, अब हम आपको ये तस्वीरें जो है ये जलगांव की तस्वीरें हैं और ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, वहां पर एक्शन लिया गया है, कार्रवाई हुई है। अब हम आपको दंगों पर टीएमसी की राजनीति का एक और चेहरा दिखाना चाहते हैं। कल ममता बनर्जी पर रामनवमी पर हिंदू विरोधी बयान देने के आरोप लगे, आज क्या हुआ? आज टीएमसी की सांसद, वैसे ममता बनर्जी ने पहले ही क्लीन चिट दे दी है कि रमजान में मुस्लिम भाई ऐसा कुछ नहीं करते, तो जो करते हैं वो उन्होंने नाम नहीं लिया। लेकिन आज क्या हुआ, आज टीएमसी की सांसद महुआ मित्रा ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें रामनवमी के जुलूस में युवक के हाथ में पिस्तौल दिखाई दे रही है। इस वीडियो के साथ महुआ मित्रा ने ट्वीट में लिखा कि विष्णु के सातवें अवतार भगवान श्री राम के जन्म का जश्न मनाने का बीजेपी की बंदूक और हथियार लहराने से क्या लेना देना। ये वीडियो महुआ मित्रा की तरफ से ट्वीट किया गया, हम आपको फिर से बता रहे हैं, हम वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन महुआ मित्रा का ट्वीट किया ये वीडियो है। और फिर हर त्योहार तबाही और दंगे का बहाना है, ये महुआ मित्रा ने लिखा। सवाल यह धर्म निरपेक्षता की कसौटी यह भी है कि अगर आप एक पक्ष का वीडियो दिखा रहे हैं तो सिर्फ एक पक्ष को निशाना बनाया जाए। ममता बनर्जी जो कह रही है, महुआ मित्रा जो कह रही है, हमारा सवाल यह कि क्या टीएमसी के नेता हावड़ा दंगों की जो आज की तस्वीर वो दिखाइए भाई तस्वीर, क्या आज की तस्वीरों को भी वो ट्वीट करेंगे? ये जो तस्वीरें हैं, जो आज की तस्वीरें हैं, क्या टीएमसी के नेता उन लोगों की तस्वीर भी ट्वीट करेंगे? तस्वीरें जो हावड़ा दंगों में छतों से पत्थर चलाते हुए दिखाई दे रहे। बंगाल के चुनाव हो तो उसके बाद भी हजारों लोगों के ऊपर पथराव, आगजनी, बम फेंकना, ये आम सी बात बन गई है। और ममता जी के राज में जिस तरह से पत्रकारों पर हमले हुए, शोभा यात्रा रामनामी की निकालते उन पर पथराव हुआ है, इससे ज़्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि अगर पत्रकारों को भी हिंसा का शिकार होना पड़ता है, लहूलुहान होना पड़ता है और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रहती है, आंखें बंद करके रखती है, तो उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अब इस चीज को समझे कि रामनवमी पर कल से लेकर आज तक देश में कई शहरों में हिंसा हुई, कई शहरों में, महाराष्ट्र में भी हुई, गुजरात में भी हुई, बंगाल में भी, बिहार में भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कल रामनवमी की शोभा यात्राओं पर पत्थर नहीं फूल बरस रहे थे। उत्तर प्रदेश के कई हिस्से में एक भी इस तरह की घटना नहीं रिपोर्ट हुई जहां राम भक्तों और शोभा यात्राओं पर पत्थर मारे गए या रामनवमी विरोधी इस स्तर की कोई हिंसा हुई हो। इसकी एक बड़ी वजह ना, उत्तर प्रदेश में एक कानून भी है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जिसमें दंगाई, पत्थरबाज और दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उस तरह का कानून है, क्या ये उसका असर है? फूल बरसाए जा रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब की शानदार तस्वीर, और एक कानून, क्या इसके पीछे वो कानून भी है क्या? मतलब यूपी में ऐसा कुछ नहीं हुआ, दंगों से हुए नुकसान की वसूली दंगाई से ही की जाती है, क्या ये कानून का डर है? मतलब योगी सरकार के बाद मध्य प्रदेश और हरियाणा में भी पत्थरबाजों के खिलाफ सख्त कानून ला चुके हैं। इस कानून में होता यह कि हिंसा में नुकसान की वसूली उसी से की जाएगी जो हिंसा का दोषी होगा। इस कानून में दंगाइयों के सार्वजनिक के साथ साथ निजी संपत्ति के नुकसान की भी वसूली इन दंगाइयों से ही होगी। कानून इतना सख्त है कि अगर दंगाई की मौत भी हो जाती है ना तो भी उसकी संपत्ति से नुकसान की वसूली की जाएगी। योगी मॉडल है दंगाइयों के खिलाफ, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ ये सब कुछ, बुलडोजर मॉडल, योगी मॉडल, इतना ही नहीं, उस आरोपी से भी वसूली की जाएगी जो हिंसा के लिए उकसाने का दोषी हो। इसलिए वक्त आ गया ना, अभी सवाल है कि क्या योगी सरकार ने दंगाई पत्थरबाजों से वसूली के लिए जो कानून बनाया वो पूरे देश के लिए एक नजीर नहीं है क्या? मतलब
पत्थरबाजों के खिलाफ एक देश एक कानून क्या नहीं बनना चाहिए? ममता और नीतीश सरकार को भी चाहिए ना कि भाई पत्थरबाजों के खिलाफ इस तरह कोई सख्त कानून आए। हावड़ा हिंसा के लिए जो भी दोषी है उनसे उनकी सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान की वसूली उन्हीं से हो। एक आपको उदाहरण देते हैं आज ब्रेक पर जाने से पहले, इसराइल में भी ना एक ऐसा ही सख्त कानून है। एक आपको उदाहरण देते हैं पत्थरबाजों के खिलाफ, इसराइल का सख्त कानून भी एक मिसाल है। इसराइल में पत्थरबाजों को एक्ट ऑफ क्राइम माना जाता है और पत्थरबाजी के दोषी जुर्माने के साथ साथ 20 साल तक की सजा का प्रावधान है। 20 साल एक पत्थरबाजी नहीं होती अब वहां पर। इसराइल के कानून के मुताबिक शारीरिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से पत्थर मारने पर 20 साल तक की सजा का प्रावधान है और इरादा साबित ना भी होना तो भी पत्थरबाज को 10 साल की सजा का प्रावधान है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।